जगन्नाथ रथ यात्रा है और ये शुभ पर्व है। इनमें से ज़्यादा शुभ पर्व है वह है भक्त का प्राकट्य दिवस। तो भगवान जगन्नाथ जी का रूप कृष्ण की ओर धारण किया उसके पीछे सबको मालूम है। इसके पीछे रहस्य यह है कि जब कृष्ण कथा में आसक्त हो जाते हैं या कृष्ण भक्त कथा में आसक्त होते हैं तब कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप धारण। रोहिणी माता भक्त कथा सुना रही थी, ऐसे कृष्ण कथा और भक्त कथा दोनों एक है, लेकिन फिर भी प्रधान रूप में रोहिणी माता सुना रही थी द्वारका के पटरानियों को ब्रजवासियों की प्रेम की महिमा सुना रही थी। एक तरह से कहा जाए ब्रजवासियों की कथा। ब्रजवासियों की कथा जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण किया तब उन्होंने क्या रूप धारण किया, जगन्नाथ जी का उदाहरण दिया। तो आज के दिन जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ का रूप धारण किया उसकी सार्थकता ये सुनिए श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के गुणगान से होता है। क्योंकि महाराज वास्तविकता में ब्रजवासी है और उनका गुणगान सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण दरवाजे के पास तो नहीं लेकिन खिड़की के पास तो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, भक्त का स्वभाव होता है तो सोचते हैं कि हम भगवान को ही मैनेज करेंगे, दरवाजे के अंदर से आने नहीं देंगे। तो भगवान अपना योजना कर लेते हैं, क्या करते हो वो खिड़की के पास खड़ा हो गए। तो ऐसे ही भगवान स्वयं अपने भक्त का गुणों का गान श्रवण करना चाहते हैं और भक्त का गुणों का गान जब श्रवण करेंगे भगवान के अंदर जो कृष्ण के अंदर सर्वोच्च भाव प्रकाशित हुआ इसको महाभाव प्रकाश कहा गया है। तो इसलिए राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा आज के दिन है। तो आज के दिन उनका गुणगान सुन के भले ही हम उत्साह को अनुभव कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो जगन्नाथ जी को हो रहा है। इससे कभी भी कोई भी साल में कभी भी जगन्नाथ जी को इस आनंद से वंचित नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बात कह के समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा माना जाता हूँ कि तटस्थ व्यक्ति के ऊपर माना जाता हूँ। बहुत सारे समस्याएं आ रही हैं खास करके उन भक्तों को जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो महाराज जी दे नहीं रहे, देते तो किसको दे देते, पता लगता है तो हमारे ऊपर इतनी समस्या आ जाती है पर आप दिला नहीं रहे हो, ये नहीं हो रहे, बहुत समस्या हो रही है। तो एक भक्त ने पूछा अभी तो पता लग गया कौन जी महाराज दीक्षा ने पता ये क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है। तो मैंने एक प्रसंग सुनाया भागवत से, पूरा सुना नहीं पाऊँ कुछ मुझे हवाई जहाज पकड़ना है जो चला पुरंजन उपाख्यान में मलय ध्वज करके एक कहानी में व्यक्ति आता है। मलय ध्वज हर जगह जाके अपना झंडा गाड़ दिया युद्ध करके और सारा संपत्ति जो है राज्य के पुत्रों को बांट के वो ताम्रपाणी नदी दक्षिण भारत में कुटराज्य क्षेत्र में जाके बिल्कुल अपने अंतरंगिक पार्षदों के साथ में वो रह गए। तो ये हर एक गुरु का यही कार्य होता है, अपने जीवित काल में वो हर जगह जाके आक्रमण करेंगे और गौड़ीय सिद्धांत का जो झंडा है उसको लहराएंगे, हर क्षेत्र में जाके वास्तविकता में सही सिद्धांत क्या है
उसको स्थापना करके उस राज्य को, सिद्धांत साम्राज्य को वो स्थापना करेंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आता है जो उसके मैंने अभी कर लिया है, जितना करना था मैंने कर लिया है, अभी आप करो। फिर किसको कहते हैं? अपने शिष्यों को कहते हैं। अरे मैं जा रहा हूँ एकांत स्थान में, इसलिए मैंने कहा कहीं के शिष्यों को बहुत अभी उनको डिस्टर्ब मत करो। उनका इच्छा है एकांत स्थान में भजन करने की इच्छा है, गोवर्धन में कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे बहाने बना सकते हैं महाराज जी की, नहीं नहीं मैं अभी दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ। ये उनकी दयनीयता, उनकी नम्रता है, उनकी नम्रता है। अभी हमारे ऊपर बड़ा दायित्व है, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो दायित्व हमको सौंपा है, उस कार्य को, उस दायित्व को निभाना। जैसे उन्होंने गांव गांव जाके भागवत का प्रचार किया, अभी आजकल मैं यूपी ज़्यादा जाता रहता हूँ, यूपी का कुछ जिम्मेदारी मिला है, मैं देखता हूँ गांव में इतने भरे पड़े हुए लोग, गुजरात में या दक्षिण भारत में गांव में लोग नहीं है, गांव में खाली हो गया, लेकिन यूपी बिहार में इतना गाँव खाली पड़ा है, इतना पब्लिक है, पूछो केवल घर ही नहीं है, अनेकों अनेकों जगह उधर प्रचार कौन करेगा? तो प्रचार का जो भागवत का प्रचार कौन करेगा? उसका दायित्व महाराज जी हमको देखेंगे। वो दायित्व केवल दो चार लोगों का नहीं है, वो दायित्व हम सबका है। चाहे भागवत आयोजन करे, भागवत का प्रवचन दे, या भागवत का प्रवचन देने वालों को प्रशिक्षित करे, ये दायित्व हमारा। उसके द्वारा वास्तविकता में शिष्य बनते हैं। जब गुरु का जो जवाबदारी है जहाँ अपने ऊपर लेते हैं, तभी हम वास्तविकता में शिष्य बनते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ टिका है तो एक ही चीज़ के ऊपर टिका है, वह भागवत के ऊपर टिका है। भले ही कितना ही बड़ा मंदिर हो, कितना सुंदर मंदिर हो, अगर भागवत नहीं तो इस्कॉन नहीं है। अगर भागवत है तो भले झोपड़ी है वो इस्कॉन है, भले वो झोपड़ी है फिर भी इस्कॉन। इस भागवत को अपने हृदय में धारण करो, रोज भागवत को पढ़ो, रोज भागवत प्रवचन का प्रवचन सुनो और श्लोकों को बोलो। तो एक भक्त ने कहा हो जी मैं राधा गोविंद का शिष्य हूँ, मैंने कहा भागवत का पहला श्लोक जानते हो? मैंने तुमसे अच्छा मैं हूँ शिष्य, तुम शिष्य मैं भगवान महाराज का शिष्य, मैं भगवान पहला श्लोक जानता हूँ। मुझे हरिदासपुर बता रहे थे महाराज जी जब इधर गाँव में प्रचार करते थे, उनको बिठा के 8-10 लोग ही थे, बिठा के पहला श्लोक को उन्होंने जैसे नर्सरी के बच्चों को सिखाते ना हाँ टीचर, उस प्रकार उन्होंने सिखाया। ऐसा है तो उनका जो भागवत की प्रेम है, उस प्रेम का अपने हृदय में धारण। खाली दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बनता है, तो गुरु जी का भाव है अपने हृदय में धारण करने से शिष्य बनता है। तो अभी महाराज जी प्राय दीक्षा लेना बंद कर चुके हैं, इसका अर्थ क्या है? वो चाहते हैं कि आप भागवत का प्रचार करो, उसके लिए क्या करना होगा? उसको अध्ययन करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इतने भी शिष्य हैं महाराज जी के लिए प्रसन्नता के लिए, आगे कार्य तो चलता रहेगा, दुनिया में बहुत सारे कार्य चलता रहेगा, लेकिन भागवत का प्रचार जो है गांव गांव में गली गली में प्रचार करें। और केवल प्रचार करने का अर्थ क्या? प्रचारकों को तैयार करना। प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं होता है, प्रचारकों को तैयार करने वाला प्रचारक होता है। वैसे इधर अच्छे अच्छे रत्न बैठे हैं, नाम कुंडली स्कूल नाम गोई प्रभु जी हैं, कर्म प्रकाश कपूर हैं, सब लोग हैं। तो और प्रचारकों को तैयार करो, ये मेरा आपसे निवेदन है। और भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जिम्मेदारियों को लेते हुए भागवत का जो प्राधान्यता है हमारे अन्य कार्यों में, अनेकों कार्य है भक्ति में इस्कॉन में, तो भागवत प्रधान है, इसको स्थापना करने के लिए सबको संघर्ष करना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।